Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. Let us start with class 9th economics chapter number 2, people as resource. इस chapter को पढ़ेंगे NCERT से, but line by line reading मैं यहाँ पर नहीं करके बताऊँगी. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ concepts समझाने वाली हूँ, ठीक है? Because 9th standard है, read तो आप खुद कर पाएंगे, लेकिन NCERT से क्यों read करा रही हूँ, board पर क्यों नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट को थ्योरी से लिंक करके समझाया गया है, ठीक है? मतलब इस चैप्टर की जो थ्योरी है इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया कि मुझे जो बीच में इनसाइड स्टोरीज हैं इनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? इवन इफ़ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो चैप्टर को शुरू करेंगे. चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स. By the name itself समझ में आ रहा है कि पीपल के बारे में पढ़ने, लेकिन किस कंटेक्स्ट में? एज रिसोर्स, ठीक है? पीपल मतलब जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो किस तरीके से रिसोर्स बनते हैं, है ना? पीपल को हम रिसोर्स कंसीडर करते ही क्यों हैं? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचर में है और जिसको यूज़ करके कुछ और ज़्यादा बेहतर चीज़ें बन सकती हैं. जैसे कि अगर आप बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की, तो लैंड, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, क्योंकि इनको यूज़ करके कुछ और बेहतर चीज़ें बन रही हैं, ठीक है? फिर मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, रोड्स, रेलवेज, राइट, बिल्डिंग्स, मशीन्स, इन सब की मदद से कुछ और बेहतर चीज़ें और बेहतर सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं, ईदर गुड्स और सर्विसेज. लेकिन तीसरे टाइप का जो रिसोर्स होता है, विच इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, है ना? प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको पढ़ा हुआ है. तीसरे टाइप का रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स ही है पीपल. मतलब कि जब ह्यूमन खुद एक रिसोर्स की तरह एक्ट करता है, जब ह्यूमन खुद अपने अंदर एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, कैपेबिलिटीज, इन सब चीज़ों को रखता है और सीखता है ताकि वो कुछ बेहतर क्रिएट कर पाए, है ना? वो एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न कर पाए, ठीक है? जॉब करके वो एक बिजनेस चला पाए, या वो किसी भी प्रकार की सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकता है, तब आप उसको कहेंगे रिसोर्स. मतलब जितने भी लोग किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एज अ रिसोर्स एक्ट कर रहे हैं, तभी आप उनको कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स, राइट? चलो अब ह्यूमन रिसोर्स तो पढ़ना है, ये समझ में आया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बनता कैसे है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो कैसे ह्यूमन रिसोर्स को बनाने में मदद कर सकती है, और उसको ह्यूमन रिसोर्स के बनने से क्या फ़ायदा होगा, डन? तो चैप्टर में मैंने पहले से अपना होमवर्क करके रखा है, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके रखा है ताकि हम बीच में टेक्स्ट को पढ़ने में ना उलझें, है ना? और एज अ रिवीजन जल्दी जल्दी आपको सिर्फ हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को पढ़ के ही चैप्टर समझ में आ जाए. सो लेट अस बिगिन. पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब क्या है? पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रैदर देन लाइबिलिटी. इकोनॉमी मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है? मतलब कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है कि कंट्री में कितने लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? कंट्री में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कितना अर्न कर पाते हैं, कितना एक्सपेंस करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एस्पेक्ट्स को जब जोड़कर जो कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन है जिसके बारे में बात की जाती है, उसको आप कहते हैं इकोनॉमी, राइट? तो पॉपुलेशन किस तरीके से एसेट बन सकती है कंट्री की इकोनॉमी के लिए रैदर देन लाइबिलिटी. एसेट मतलब जैसे एसेट को आप कैसे गिन सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मदद से आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है? या रिटर्न जो हैं वो बढ़ सकते हैं. और लाइबिलिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप काम तो कर रहे हैं लेकिन वो आपकी खुद की नहीं है, है ना? कर्ज है एक तरीके से, राइट? जो आपको किसी और को रिटर्न करना पड़ेगा. और एसेट मतलब वो आपका खुद का है, आप जब तक चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं, जितना भी प्रॉफिट उससे चाहे अर्न कर सकते हैं, और आपको किसी को भी उसमें से कोई शेयर नहीं देना, ठीक है? जैसे अगर मैं खेती करती हूँ और मेरे पास अपनी खुद की ज़मीन है, राइट? अब एक लैंड है जो मेरी खुद की है,
ठीक है, जिसपे मैं एग्रीकल्चर कर सकती हूँ, जो क्रॉप चाहे वो उगा सकती हूँ, तो वो मेरे लिए एसेट है। लेकिन अगर मान लो मैं फार्मिंग तो करती हूँ पर जो लैंड है, ठीक है, या जो फील्ड है वो मेरा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, किसी और से किराए पर लेकर इस ज़मीन पर क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चर। तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, और अगर ये मेरा खुद का है तो ये मेरे लिए एसेट है। ठीक है, तो पॉपुलेशन किस तरीके से कंट्री के लिए एसेट बन सकती है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में प्लस करे ना कि माइनस। ठीक है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये लाइन सम अप करती है कि पीपल को आप रिसोर्स बोलते ही क्यों हैं। देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से एक पर्सन जो है, ठीक है, किस तरीके से एक पर्सन जो है उसमें स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, उसकी हेल्थ केयर में एनहेंस करने के लिए, ठीक है, आप कैसे उसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहा जाएगा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कोई भी पर्सन है, अगर आप उसको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, उसको पर्टिकुलर काम से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं और मेडिकल केयर देते हैं, ठीक है, ताकि वो बीमार ना पड़े और अपना काम अच्छे से करता रहे, ज़्यादा रिटर्न्स देता रहे, ठीक है, तब आप उसको कहेंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट को आप क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, पॉपुलेशन कब बनती है ह्यूमन कैपिटल, जब उसका प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी कंट्री जिसको अपनी ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना है, अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाना है, उसको लोगों की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए और उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है स्किल्स और प्रोडक्टिव नॉलेज का। जैसे कि अगर मुझे देखो एग्जांपल लेते हैं, एजुकेशन एक सेक्टर है, ठीक है, अगर मुझे एक यूट्यूब चैनल ओपन करना था, ठीक है, अगर मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करना था तो मेरे पास कुछ स्किल्स का होना ज़रूरी था। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे नॉलेज होना चाहिए मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, सेकंड मेरे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए कि नॉलेज है तो पर मैं उसको समझा पा रही हूँ, उसको डिलीवर करवा पा रही हूँ या नहीं, ठीक है, थर्ड मेरी जो हेल्थ है वो ठीक होनी चाहिए ताकि मैं उसको कंटिन्यूस, उसमें कंसिस्टेंसी बनाकर वीडियोस को अपलोड कर सकूं, ठीक है, इसके बाद बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं कि भाई मुझे, मेरे पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, या मेरे पास बोर्ड होना चाहिए, मेरे पास कैमरा होना चाहिए, ठीक है, ये सब तो चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन ये जो प्राइमरी चीज़ें हैं जो मुझे एक ह्यूमन कैपिटल बना रही है, ठीक है, अगर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती और मैं एक चैनल नहीं चला पाती या कोई दूसरा काम नहीं कर पाती, ठीक है, तो मैं एक लाइबिलिटी बनती, राइट, मतलब मेरी फैमिली को सोचना पड़ता कि अगर उसे मेरे को खाना खिलाना है या अगर मैं अपने खर्चे नहीं उठा सकती तो मेरी फैमिली को मेरे खर्चे उठाने पड़ते, तो मैं उनके लिए एक लाइबिलिटी बनती ना कि एसेट। लेकिन मेरे पास नॉलेज, स्किल्स, मेरी हेल्थ सही है, एजुकेशन है मेरे पास, ट्रेनिंग है मेरे पास, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं एक ह्यूमन कैपिटल बन रही हूँ और मैं अपनी फैमिली की अर्निंग में एक एसेट बन रही हूँ। ठीक है, कि अगर मेरी फैमिली की इनकम मान लो एक्स थी, ठीक है, तो अब मैं ये सारी चीज़ों के चलते उसमें कुछ ऐड ही कर पा रही हूँ, राइट, सो आई विल बी कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मान लो मैं ये काम नहीं कर पाती और मैं अनएम्प्लॉयड होती, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयड होती तो क्या होता कि मैं एक लाइबिलिटी होती, है ना, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं होती, या होती भी और मैं काम नहीं कर पाती तो फिर मैं एक एसेट साबित नहीं होती, मतलब ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए प्लस अपॉर्चुनिटी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, काम ही नहीं करने दे रहा आपको कोई, राइट, या आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि आप अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को यूज़ कर सको, तो भी आप एसेट नहीं बन पाएंगे। डन, चलो फिर
जो लोग एज अ रिसोर्स एक्ट कर पाते हैं अपनी कंट्री के लिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, कंट्री की नेशनल जो प्रोडक्ट है या कंट्री का जो नेशनल इनकम होगा। अब नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का मतलब है कि अगर ये एक पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं, राइट, इस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो यहीं पर रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं लेकिन सिटीजन यहीं के हैं, ठीक है, उन सब की टोटल मिला के जो इनकम होती है उसको आप कहते हैं नेशनल इनकम, राइट। इसको आप क्या कहेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम। लेकिन ये तो हो जाएगा आपका जीएनपी, राइट। लेकिन नेशनल इनकम जो है, सॉरी नेशनल इनकम नहीं, जीडीपी, अगर कोई आपसे बोलता है कि क्या है तो एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि इस कंट्री की बाउंड्री के अंदर, इस कंट्री की बॉर्डर्स के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी कहलाएगा। फिर इस कंट्री के सिटीजन्स उसको अर्न करें या फिर इस कंट्री में रहने वाले दूसरे लोग जो यहाँ के सिटीजन नहीं हैं वो उसको अर्न करें, तब भी वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है, बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तब आप उसको कहेंगे जीडीपी। तो अगर पीपल जो हैं रिसोर्स बनते हैं, अगर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है किसी भी कंट्री का, तो उनकी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो अगर कोई भी पर्सन ह्यूमन कैपिटल बनता है, राइट, या रिसोर्स बनता है, तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं करता, वो अपनी पूरी कंट्री का फ़ायदा करता है। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट आर कंसर्न्ड अबाउट क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल, है ना, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल प्रोग्राम्स, सो दैट पीपल हु आर एबल टू वर्क और दोज हु आर हैविंग कैपेबिलिटीज टू क्रिएट समथिंग फॉर द कंट्री, ऐसे लोगों को क्या मिल सके, एक हेल्प मिल सके, ठीक है। दूसरा, ये तो हमने देखा कि एक पॉजिटिव इफेक्ट, कि अगर मान लो कोई पर्सन रिसोर्स बनता है, ह्यूमन कैपिटल बनता है, तो कंट्री को फ़ायदा करता है। इसी का ऑपोजिट भी है, अगर कोई पर्सन जो रिसोर्स बनने के लायक है लेकिन नहीं बन रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से, हो सकता है कि वो पुअर है तो वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, स्किल्स को नहीं सीख पा रहा है ना, पुअर है तो हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसको डिजीज़ हैं तो वो क्योर नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों के चलते क्या होता है कि कंट्री की नेशनल इनकम भी कम होती है ना। अगर वो काम कर पाता तो ज़्यादा अर्न करता, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है तो इसमें ऐड तो कुछ हो नहीं रहा है, साथ में माइनस ही होगा। कैसे, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए भी क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए भी लाइबिलिटी बन जाएगा, कि क्योंकि खुद से नहीं खा सकता कमा कर, तो गवर्नमेंट को उसकी मदद करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। चल, When existing human resources further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. Human capital तो हम समझते ही हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स है एग्जिस्टिंग है ना, मतलब जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब आप उनको ही डेवलप कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट उनको ही डेवलप करती है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है, राइट, साथ में बहुत सारी डिफरेंट फील्ड से रिगार्डिंग उनको नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जाती है वर्कशॉप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, तो इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, तब आप इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप भी इसको अपनी बुक में मार्क कर लें तो बेटर है, राइट। अब ह्यूमन कैपिटल बनाया कैसे जाएगा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है। वन मोर थिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या है और एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस का मतलब तो होता है खर्चा, मतलब जो भी पैसा आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मैंने अगर 100 रुपये कमाए और मैंने 50 रुपये की आइसक्रीम खा ली, तो ये 50 रुपये क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, खर्चा किया मैंने अपनी इनकम में से। लेकिन अगर मैं 100 रुपीज़ कमाती हूँ और मुझे पता है कि मुझे 50 रुपीज़ से 2 बुक्स खरीदनी है, ठीक है, हम बहुत सस्ती दुनिया में जी रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल्स,
ठीक है, अगर मुझे 50 रुपीज़ में दो बुक्स खरीदनी है जिससे मेरे सब्जेक्ट का नॉलेज इंक्रीज होगा, है ना, और मैं और बेहतर कर पाऊँगी और बेहतर पढ़ा पाऊँगी, तो ये 50 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हुए, क्योंकि इनको पढ़ के मैं कुछ गेन कर पा रही हूँ, ठीक है, मेरे काम में और एनहेंस होगा, है ना, काम की क्वालिटी एनहेंस होगी, राइट। तो ये 50 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे, लेकिन ये जो 50 रुपीज़ मैंने आइसक्रीम खा ली है, ठीक है, इससे कुछ एनहेंस हो रहा है क्या, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी या कुछ नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है मेरा? नहीं, ठीक है, तो ये कहलाएगा एक्सपेंस। लेकिन ये वाला 50 रुपीज़ जिसको पढ़ के मेरा नॉलेज इंक्रीज होगा या मैं कुछ और अच्छी क्वालिटी सीख पा रही हूँ जो मैं अपने काम में इंक्लूड करूँगी, अगर ऐसा है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हमने देख लिया, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना, लेकिन कैसे? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट, उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मेडिकल केयर देनी पड़ती है, ऐसी चीज़ें जो किसी भी काम को, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करने में मदद कर सकती है ना। जैसे मान लो किसी पर्सन को बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो ऐसे पर्सन को सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो एक काम शुरू कर पाएगा, वो खुद इन्वेस्ट कर पाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ऑब्वियस है कि जितने लोग हेल्दी रहेंगे, जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं और स्किल्ड हैं, ऐसी जगह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा बेटर होगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी साथ में। नॉट ओनली कंट्री की इनकम देख रहे हैं हम, यहाँ पर कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जा रहा है। ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। देखो, रिसोर्सेज हमने बहुत सारे देखे, कैपिटल भी हमने देखा था पिछले चैप्टर में जब हम पालमपुर पढ़ रहे थे, है ना, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी यहाँ पर, राइट, फिजिकल कैपिटल भी देखा था। अब यहाँ पर लैंड और मनी जैसे जो कैपिटल होते हैं, जिनको आप फिजिकल कैपिटल कहते हैं या फिक्स्ड कैपिटल जिनको आप कहेंगे, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल। सारे रिसोर्सेज ज़रूरी है, कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। वाई? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज जैसे कि लैंड या मनी या सॉइल, ये सारी की सारी चीज़ें नेचर में तो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब ह्यूमन ने इनका यूज़ करना चालू किया तब डेवलपमेंट चालू हुआ, राइट। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बाकी रिसोर्सेज का सही यूज़ हो सके, राइट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? डैम्स बनाए जाते हैं और उनसे वाटर को एक हाई स्पीड में फ्लो कराते हैं, ठीक है। डैम्स की स्लोप्स पर हाई स्पीड में पानी गिरता है, नीचे टरबाइन लगी होती है, वो मूव करती है, तो करंट जनरेट होता है पानी से, ठीक है। इसी को आप कह देते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब पानी तो हमेशा से था और डैम्स में भी अल्टीमेटली वाटर ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी हमेशा से था, लेकिन जब ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुआ, जब ह्यूमन को पता चला कि भैया इससे हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पानी से क्या बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, तब से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चालू हुआ ना। उसके पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जब ह्यूमन को समझ में आया कि भाई सन जो है वो सोलार एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है, उसकी हीट से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब ही तो इन्वेंट हुई ना हाइड्रो सॉरी सोलार एनर्जी। डन? इट मीन्स अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप है तो वो सारे रिसोर्स का बेहतर यूज़ कर पाएगा और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल ही डेवलप नहीं है, बाकी सारे रिसोर्सेज रिच हैं, तो आप नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट होगा, राइट। चलो, बहुत लंबे समय तक क्या होता है, हम यही बिलीव करते हैं या एक तरीके से आप कहें कि कंसेप्शन ही यही है कि अगर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की ज़्यादा है, इफ़ अ कंट्री इज़ हैविंग
हाई पॉपुलेशन, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि भैया यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूसेज नहीं हो पाता होगा क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं, राइट। प्लस नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ दी और इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है, तो हम हमेशा मानते हैं कि हाई पॉपुलेशन ख़राब है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एक पॉजिटिव अप्रोच से देखें तो अगर हाई पॉपुलेशन है मतलब कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन रिसोर्स को या ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने की, मतलब अगर इंडिया चाहे तो अपनी पॉपुलेशन का एक फ़ायदा उठा सकता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने का उसको एक एडवांटेज मिल सकता है कि वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप करने के चांसेस भी इंडिया के हो सकते हैं। बट आपको हाई पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाई पॉपुलेशन डज नॉट मीन्स हाई ह्यूमन कैपिटल, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक न्यूट्रिशियस डाइट वो नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, स्कूल्स जाना नहीं अफोर्ड कर सकते, स्किल्स को एक्वायर करना, नए नए कोर्सेज लेकर स्किल्स को एक्वायर करना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ट्रेनिंग्स नहीं ले पा रहे, राइट। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कह सकते हैं? आप बोल नहीं सकते कि भाई ये जो है ये ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड है, यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड नहीं है, डन। यहाँ पर आपको दो स्टोरीज दी गई हैं, स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास, राइट। अब ये स्टोरी क्या है ये आप खुद से पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि दो फ्रेंड्स रहते हैं विलेज में, विलास और सकल, ठीक है। अब सकल और विलास जो है दोनों ही बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। विलास भी पुअर रहता है, सकल भी पुअर रहता है, राइट। अब सकल जो है इसकी फैमिली में इसकी मदर घर के सारे काम करती हैं और इसके फादर जो है वो बाहर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, राइट। और भी बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर। फिर सकल का एक अंकल है, राइट, उसने अच्छे खासे एग्जामिनेशन वगैरह को पास किया है लेकिन वो उसके पास जॉब नहीं है, राइट, तो वो घर पे रहता है, कोई काम नहीं करता, डन। अब यहाँ पे क्या होता है कि सकल के जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझ में आता है कि भाई हमारे पास एजुकेशन नहीं थी इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट उनको अपने बच्चे को पढ़ाना है ताकि वो इस पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकले और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने लिए अर्न कर पाए, राइट। उनको समझ में आता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फिर वो भी बहुत एग्जाम्स वगैरह क्रैक करता है और उसको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ। अब फैमिली में अगर एक पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, अगर उसको अच्छी जॉब मिलती है, तो वो पूरी फैमिली को क्या करता है, सपोर्ट कर पाता है और धीरे धीरे करके फैमिली जो है हो सकता है कि वो भी पॉवर्टी से बाहर निकल आए, डन। लेकिन यहाँ पर जो विलास है इसके साथ क्या होता है, इसकी मदर जो होती है इसके फादर को कोई बीमारी होती है, इवन विलास को भी आर्थराइटिस होता है और इसकी जो मदर है वो फिशेस बेचने का काम करती है, लेकिन विलास जो है ये स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर पाता, ये किसी भी प्रकार की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता और ना ही इसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पाती है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो विलास भी क्या करता है, स्कूल नहीं जाता और अर्ली एज में क्या करता है, अपनी मदर की तरह फिशेस को बेचना चालू कर देता है। तो जितना इसकी मदर कमा पा रही थी, बहुत ही मीगर एक इनकम, मतलब बहुत ही कम कुछ पैसे कमा पाती थी जिससे सर्वाइवल चल रहा था, विलास भी उतना ही कमा पाता है और उससे ज़्यादा नहीं। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टोरीज ऑफ सकल एंड विलास। टोटल कंक्लूजन क्या था इस स्टोरी से, दोनों पर्सन्स की स्टोरी से, कि ह्यूमन कैपिटल जो है ना, या पॉपुलेशन जो है उसको ह्यूमन कैपिटल एसेट उसको कब बनाया जा सकता है, जब उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट भी किस तरीके से, एजुकेशन और हेल्थ केयर, है ना। प्रॉपर ट्रेनिंग तो एजुकेशन के बाद आती है, लेकिन बेसिक एजुकेशन देना सबको ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन है, राइट, अब सकल जो है वो इतने साल बाहर पढ़ के आया है तो उसकी एजुकेशन इंक्रीज कर देगी उसके क्वालिटी ऑफ लेबर को। क्वालिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है, सकल जो भी काम करेगा उसको किससे बैक मिल रही है या
कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो नॉलेज है, वो उससे बेहतर तरीके से काम कराएगा, राइट, एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ नॉट वेल एजुकेटेड, ठीक है। और अगर वो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर सकता है, अगर उसको समय पर सारी हेल्थ केयर नीड्स उसकी पूरी हुई हैं, तो अब वो फिट है ना, फिजिकली एंड मेंटली, राइट, तो क्या करेगा, काम ढंग से कर पाएगा, है ना, बेटर रिजल्ट्स देगा सामने, ठीक है। और अगर इस तरीके से सारे ह्यूमन कैपिटल जो हैं वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंचते हैं, तो पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ग्रोथ होती है। अगर इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो आप समझ लें कि कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना, अगर सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं तो, राइट। और सही तरीके से इंडिविजुअल की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन चोरी करके महान बन गया है, चोरी करके बहुत रिच बन गया है, तो उसकी ग्रोथ हुई तो पूरी कंट्री की ग्रोथ हुई, नहीं। अगर सही तरीके से काम हो रहा है, मतलब ह्यूमंस जो हैं वो कैपिटल की तरह काम कर रहे हैं, रिसोर्स की तरह काम कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, तब जाकर कहीं कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर सकती है, फाइन। चलो लेट अस मूव अहेड। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। रेट्स ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आज मैं कहीं पर भी 100 रुपये इन्वेस्ट करती हूँ, राइट, तो कब इन्वेस्ट करूँगी, जब मैं श्योर हूँ या जब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे रिटर्न मिलेगा, मतलब ये 100 रुपये ऐसा नहीं होगा कि डूब जाएंगे, अगर ये 100 रुपये फ्यूचर में मुझे 200 रुपये होकर मिलेंगे, तो मतलब मुझे पता है ना कि रेट ऑफ़ रिटर्न है, वापस मिलने के, दोबारा से कमाए जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन या मेडिकल केयर के थ्रू, वो रेट ऑफ़ रिटर्न्स को बढ़ा देता है, मतलब कि अगर आज मैं एजुकेटेड हूँ, ठीक है, तो मैं अपने नॉलेज को यूज़ करके, मैं अपनी एजुकेशन को यूज़ करके क्या कर सकती हूँ, फ्यूचर में पैसा अर्न कर सकती हूँ, राइट। अगर मान लो कि यूट्यूब चैनल जो है वो थोड़े समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है, ठीक है, ज़्यादा व्यूज़ मिलने लगते हैं, ज़्यादा लोग उसको देखने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, तो क्या होगा, मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न इस चीज़ से मिलेगा, डन। तो मतलब क्या है कि एजुकेशन जो है, जब भी ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता है, एंड नॉट नेसेसरी ऑलवेज मनी और मॉनिटरी रिटर्न, ठीक है, इसे दूसरे रिटर्न्स भी मिलते हैं, सोसाइटी भी बेहतर होती है, लोग अवेयर होते हैं, है ना, और साथ में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, राइट। तो आप हर समय ये नहीं सोच सकते कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर के थ्रू, तो उससे आपको फ़ायदा मॉनिटरी ही होगा, राइट। बहुत सारे सोशल इशूज़ जो हैं वो भी कम होते हैं, वो भी सॉल्व होते हैं, ठीक है, अवेयरनेस लोगों में बढ़ती है, राइट, और ज़्यादा ओपिनिएटेड लोग होते हैं, वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो सोसाइटी को एक बेहतर प्लेस बना सकते हैं, ठीक। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जितना ज़रूरी आप लैंड और कैपिटल पे इन्वेस्ट करना समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to society. The same thing I have told you, not necessary that the rate of return only means monetary gains, ठीक है, society में भी ज़्यादा contribute किया जा सकता है अगर एक person को आप human capital बनाते हैं, अगर आप उसकी अच्छी education और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या करते हैं, invest करते हैं, राइट। अब एक और कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरी स्टेटस और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पाती है, राइट। जो अच्छे खासे एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, तो वो सारी फैसिलिटीज़ अपने बच्चे को देते हैं। बट दोस जिनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो उतना अच्छा नहीं है या उतना अफोर्डेबल नहीं है एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से इन दोनों चीज़ों को गेन करते हैं,
राइट, जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सहारा लेते हैं, और जो इतना भी नहीं कर पाते हैं तो फिर जिनको ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को पढ़ने भेजेंगे उससे अच्छा है कि हम उसको क्या कर दें, किसी जगह पर काम पर लगा दें। तो थोड़े समय तो ठीक है, वो छोटी एज से उसने अर्न करना चालू कर दिया, फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आगे जाकर ये अपनी एज के जो लोग होंगे उनके साथ एक ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाएगा, राइट। ये एक पर्सन है जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि समय पर इसको एजुकेशन नहीं मिली है या फिर इसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिली, राइट। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके, राइट। कंट्रीज़ विच आर डेवलप्ड लाइक USA, जापान, ये सब क्यों इतनी ज़्यादा डेवलप है? क्योंकि उन्होंने समय रहते अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था, ठीक है। और किसी भी कंट्री को अगर डेवलप्ड बनना है तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपनी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाए उसका, उसको प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। और एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेसिक है ना, ये आप कहें कि प्राइमरी लेवल पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट किया जाए अपनी पॉपुलेशन का इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने देखा था पिछले चैप्टर में, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो आपके इकोनॉमी को, जो आपकी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके थ्रू कोई भी पर्सन कुछ ना कुछ अर्न कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आप कहते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, और ये थ्री टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। बहुत बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमी का। प्राइमरी एक्टिविटी इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो वो किस में आएगा? प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर कर रहे हैं आप, माइनिंग कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा? प्राइमरी एक्टिविटी। देन सेकेंडरी एक्टिविटी क्या इंक्लूड करेगी आपका? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ का किस में इंक्लूड होगा? आपके सेकेंडरी एक्टिविटी में। देन टर्शरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़ मीन्स सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, ट्रेडिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी, ये इवन एडवर्टाइजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? सर्विसेज में। दैट्स वाई दे आर नोन एज टर्शरी एक्टिविटीज़। अब कोई भी पर्सन जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, जो एक ह्यूमन कैपिटल है, जो अर्न कर रहा है, वो या तो प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू अर्न कर रहा है, या तो सेकेंडरी एक्टिविटी के थ्रू अर्न कर रहा है, या फिर टर्शरी एक्टिविटी के थ्रू अर्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन इंडियन टर्म्स में पढ़ रहे हैं उसको, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं ये वेमेन और मैन दोनों के पार्टिसिपेशन के लिए डिफरेंट है। मतलब दोनों, ऐसा नहीं है कि सारे मैन और सारी वेमेन जो हैं वो एक जैसा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर अर्निंग थ्रू डिफरेंट वेज, लेकिन मैन और वेमेन के बीच में भी यहाँ पर क्या है, डिस्पैरिटी है एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी अभी हम नहीं कह सकते, इनइक्वालिटी कहने के लिए हमको और कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन डिस्पैरिटी है ये हम साफ साफ यहाँ पर कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो, इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर विच इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है। माइनिंग से भी ज़्यादा किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में, बिकॉज इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में भी लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्मॉल स्केल हैं, कुछ लार्ज स्केल हैं, ठीक है, कुछ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। और टर्शरी एक्टिविटीज़ में जनरली कैसे लोग इन्वॉल्व हैं? जो कि एजुकेटेड हैं, ठीक है, यहाँ पर एजुकेटेड होना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टर्शरी एक्टिविटी बिकॉज
इट इज़ ऑल अबाउट सर्विसेज, ठीक है। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव इसमें रह सकते हैं, उतना ज़्यादा अर्निंग करने के चांसेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं इसके दो पार्ट्स और हैं, मतलब टाइप्स तो तीन हैं लेकिन पार्ट्स दो और हैं, राइट। कौन कौन से? मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। देखते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेमुनरेशन टू एनीवन। रेमुनरेशन मींस जिसको आप सैलरी या वेजेस कहते हैं, है ना, मतलब काम के बदले जो भी चीज़ें रिटर्न में मिल रही हैं। तो मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होंगी, जिसके बदले क्या मिल रहा है, काम करने वाले व्यक्ति को पैसा मिल रहा है, ठीक है। दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, मतलब काम हो ही इसलिए रहा है ताकि पेमेंट या फिर प्रॉफिट उसको अर्न हो सके। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसी होती हैं, जब आप खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब आप कोई चीज़ बना तो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट या पेमेंट के लिए नहीं, ठीक है, उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, खुद कंज्यूम करने के लिए बना रहे हैं, तब आप उसको कहेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस जो है वो भी क्या है, मार्केट एक्टिविटी है, उसके बदले में भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कुछ तो आपको अर्निंग होगी। चलो अब सोसाइटी में हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी किस हिसाब से है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में मेन और वुमेन के बीच में, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे कल्चरल और हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर जो है, डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी लेबर हो रहा है, जो भी काम हो रहा है ना, उसका एक डिवीज़न कि कौन से काम मेन कर रहे हैं और कौन से काम वुमेन कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या है, जो इंडियन फैमिलीज़ हैं या जिनको आप कहें ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम जो है उसमें डिस्पैरिटी है। जो भी हमने पिछली दो स्टोरीज पढ़ी थी उन दोनों में हमने देखा था कि विमेन जो है वो अलग अलग काम कर रही है, ठीक है। विलास की फैमिली में बिकॉज उसके फादर की हेल्थ केयर कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, उसके फादर की हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, तो उसकी मदर जो है वो क्या कर रही है, फिशेस बेच रही है। फिशेस बेच रही है तो बदले में रेमुनरेशन मिल रहा है, ठीक है, बदले में उसको कुछ ना कुछ पैसा तो मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लेकिन उसी तरफ हमने देखा था कि जो सकल की मदर है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो हाउस होल्ड सारे काम करती है, ठीक है, सबके लिए खाना बना रही है, सबकी देखभाल कर रही है, वो बाहर जाके काम नहीं कर रही, राइट। ऑल दो शी इज़ ऑल्सो वर्किंग डे एंड नाइट, लेकिन यहाँ पर आप इसको नॉन मार्केट एक्टिविटी में कहेंगे गिनेंगे, और यहाँ पर विलास की जो मदर है उसके काम को आप मार्केट एक्टिविटी में गिनेंगे। और जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो विलास की मदर की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन सकल की मदर का कोई भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। व्हाई? बिकॉज व्हेन शी इज़ वर्किंग इन हर हाउस होल्ड और व्हेन शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली, शी इज़ नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू उसकी नहीं है। दैट इज़ वाई वुमेन जो हाउस होल्ड काम करती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। अब अगर मान लो कि विलास की मदर जो है, सॉरी, सकल की मदर जो है वो घर में खाना बना रही है, ठीक है, अपनी खुद की फैमिली के लिए बना रही है, तो कोई मॉनेटरी गेन नहीं है, तो इसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो इसकी मदर, इनकी फैमिली में कोई इकोनॉमिक कंडीशन आती है और इसकी मदर को खाना बनाकर टिफ़िन बेचना पड़ता है लोगों को, ठीक है, तो ये मान लो कि दिन के 10 टिफ़िन बेच लेती है, तो अब 10 टिफ़िन बेच रही है तो फ्री में थोड़ी ना बेचेगी, ठीक है, ये 10 टिफ़िन बेचने के बदले इनको क्या मिलेगा, पैसा। तो ये जो 10 टिफ़िन बेच कर पैसा आया है ये मॉनेटरी गेन है, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो इसको गिन लेंगे आप नेशनल इनकम में, ठीक है। तो आई होप नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होगी ये समझ में आया है ना, मतलब वेमेन का ऐसा नहीं है कि हर वेमेन का काम आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वेमेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ द सोसाइटी, बट द वर्क विच दे आर डूइंग फॉर देयर फैमिली और वेन दे आर कुकिंग फूड और वेन दे आर डूइंग द केयर गिविंग टास्क फॉर देयर फैमिली, देन दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, राइट। सो दैट पर्टिकुलर लेबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बट वेन दे आर डूइंग द सेम थिंग्स और डिफरेंट थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ रेम्यूनरेशन, फॉर गेटिंग द रेम्यूनरेशन,
then their income will also be added in the national income, right? यहीं से आपके पास एक और कंसेप्ट आता है कि women जो है अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक पैरिटी आ रही है. वाई? बिकॉज मैन एंड वेमेन बोथ आर गेटिंग इक्वल एजुकेशन, राइट? यहाँ पर एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. सी हियर इंडिविजुअल वर्ड इज यूज, ना यहाँ पे मैन यूज़ किया गया ना वेमेन यूज़ किया गया. मतलब कि कोई भी मैन या वेमेन अगर उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है और स्किल्स है ना किसी पर्टिकुलर काम को करने की, तो यही दो चीज़ें बस हैं जो क्या कर सकती हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन की अर्निंग डिसाइड करेंगी इन दी मार्केट. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मतलब जो डिसाइड करता है, जो डिटरमाइन करता है, राइट? सो इफ़ अ गर्ल इज़ हैविंग द सेम एजुकेशन एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, तो मेन के बराबर ही वो क्या कर सकती है, अर्न कर सकती है. लेकिन कुछ यहाँ पर कंसेप्शन ऐसे भी हैं कि मेन जो है सेम काम करने के लिए उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन वुमेन जो हैं वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन, इवन समटाइम्स फॉर द सेम वर्क डन बाय बोथ, राइट? मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर. ठीक है, जॉब सिक्योरिटी मतलब कोई परमानेंट जॉब नहीं है, आज है कल नहीं है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं. प्लस समटाइम्स कुछ डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वुमेन के साथ एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम्स देते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मेटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक वुमेन को बाय नेचर इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कि इफ़ शी वॉन्ट्स टू हैव मेटर्निटी लीव, लेकिन उसकी जॉब जो भी है वो अलाउ नहीं करती, तो क्या वो काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, राइट? बट मैन डू नॉट हैव एनी सच काइंड ऑफ कंपल्शंस. ठीक है, चाइल्ड केयर जो है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड द वुमेन हैज़ टू प्रोवाइड इंटेंस केयर. ठीक है, तो वहाँ पर क्या उसकी जॉब अलाउ करती है, क्या उसको उतना रिलैक्सेशन वहाँ से मिलता है? नहीं मिलता है, तो काम नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वेमेन को इन द इकोनॉमिक स्फीयर सफ़र करने को मिलती हैं. डन? बट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन एंड स्किल्स आर द रूलिंग डिटर्मिनेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है. ठीक है, देखो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स कब बनती है, जब आप उसको प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं अपने अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को सही जगह यूज़ करने की. ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. देखो, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? इनिशियल ईयर्स में किसी भी चाइल्ड को जो बेसिक एजुकेशन है उसका मिलना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि एजुकेशन एनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. अगर सारे लोग एजुकेटेड हैं या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है कि नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, है ना? एजुकेटेड लोगों को, स्किलफुल लोगों को, प्रोडक्टिव लोगों को ज़्यादा बेटर प्रोफाइल जॉब्स मिल जाती हैं, है ना? जिससे उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है. उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी. कल्चरल रिचनेस कैसे आएगी? जब लोग कल्चर को लेकर, सोसाइटी को लेकर ज़्यादा अवेयर रहेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से सब लोग क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे. एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. लोग पढ़े लिखे होंगे, अवेयर होंगे, तो गवर्नेंस की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी. गवर्नमेंट को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि अब लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें सही तरीके से काम करना है, बिकॉज दे कैन रेज अ क्वेश्चन. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं खुद के लिए, वो तो अफोर्ड कर ही रहे हैं एजुकेशन, वो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजंस बनाती है पुअर पीपल के लिए या जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ताकि उनको भी एजुकेशन मिले, है ना? किस लिए बनाए गए प्रोविजंस? फॉर यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स. यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सारे लोग एक्सेस कर चुके हैं एजुकेशन को. रिटेंशन एंड क्वालिटी, ठीक है, मतलब जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो वाकई गेन करें और
एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो बेसिक एजुकेशन है वो उनको पूरे तरीके से मिले, है ना, सही क्वालिटी के एजुकेशन बच्चों तक प्रोवाइड कराई जाए। और लड़कियों पर खास ध्यान दिया गया, मतलब कि गर्ल एजुकेशन जो है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जो है, उस पर स्पेशल फोकस दिया गया, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को आफ्टर अ सर्टेन एज स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, मतलब स्कूल जाते तो हैं, एनरोलमेंट तो कराते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन ईयर्स जब उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं मिलती हैं, है ना, वॉशरूम्स या फिर आप कहें प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट, स्कूल घर से बहुत ज़्यादा दूर है, सेफ्टी इशूज़ की वजह से, सोसाइटल इशूज़ की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब को प्रिवेंट करने की भी कोशिश गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लगाएगी किसमें, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जा सकें, गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चालू कर सकें, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नवोदय स्कूल्स, ठीक है, क्यों बनाए जा रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि बच्चे जो हैं वो चाहे किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो वहाँ आकर पढ़ सकें, है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो अपने कॉस्ट को कम रखते हैं, राइट। अब यहाँ पर चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा डेटा दिखेंगे, है ना, नंबर्स परसेंटेज, तो इन सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आधे बच्चे तो ये देख के ही पढ़ाई नहीं करेंगे इस चैप्टर की, राइट, जबकि ये बहुत सिंपल है, आराम से रीड करो, कुछ नहीं है। कंपैरिजन दिया गया है कि भैया पहले कितना परसेंटेज जीडीपी का यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता था, उसके बाद जब गवर्नमेंट अवेयर हुई तो कितना ज़्यादा पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट किया गया, राइट। लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, देखो लिटरेसी मतलब व्हेन अ पर्सन इज एबल टू रीड एंड राइट। ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि भाई जो लोग, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो भले एजुकेटेड ना हो लेकिन कम से कम लिटरेट तो रहे। लिटरेसी रेट किसी भी कंट्री का हाई होने का मतलब है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, भले ही उन्होंने कोई कोर्स ना किया हो या भले ही उनको प्रॉपर एजुकेशन ना मिली हो, डन। ठीक है, तो लिटरेसी रेट कैसे स्टेट्स का ज़्यादा है, जैसे केरला 94% है लिटरेसी रेट, लेकिन बिहार का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 62%। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भैया लोग ज़्यादा एजुकेशन के लिए अवेयर केरला में है लेकिन बिहार में कम। लिटरेसी के टर्म्स में डजेंट मीन्स कि वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं रहे या उनके बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, फिर प्रोग्राम्स कैसे चलाए जाते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सारे ही बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या किया गया है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, 6 से 14 ईयर्स तक के, है ना, 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने की बात की, कि कंपलसरीली उनको एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। ये सारी स्कीम्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, एनजीओस के साथ क्या करती है, पार्टनरशिप करके काम करती है, ताकि ये जो उसका यूनिवर्सल ऑफ सॉरी गोल ऑफ यूनिवर्सल क्या पढ़ रही हूँ ताकि उसका जो गोल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये पूरा हो सके। फिर अब जो लोग स्कूल नहीं जाते या 6 to 14 ईयर्स के ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, ठीक है, मिडिल एज्ड हैं या जो वेमेन हैं जिन्होंने पढ़ानी है, जो लिटरेसी रेट जिनका बिल्कुल ही ज़ीरो है, ठीक है, ऐसे के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिज कोर्सेज बनाए हैं, बैक टू स्कूल कैंप्स, यानी बहुत सारे बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे उनके लिए बैक टू स्कूल कैंप लगाए गए, है ना, मतलब उनको वापस स्कूल बुलाया गया, उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, राइट। ब्रिज कोर्सेज चलाए गए कि भैया आपके बीच में बहुत सारे स्कूल ईयर्स मिस हो गए हैं तो कम पीरियड में ज़्यादा कोर्स कवर करने की कोशिश। देन वेमेन जो हैं जिनको एजुकेट करना है, जिनको अवेयर करना है, उनके लिए अलग से प्रोग्राम्स चलाए गए, एनजीओस के साथ पार्टनरशिप की जाती है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन को इंश्योर करने की कोशिश करती है। देन स्कीम्स लाइक मिड डे मील, इनकी मदद से क्या होता है कि भैया अटेंडेंस जो है बच्चों की ज़्यादा होती है, ताकि उनको एक न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, और न्यूट्रिशियस फूड के कारण ही क्या होता है, वो पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं और एजुकेशन जो है वो उनकी बीच में रुकेगी नहीं, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी अपने प्लान बनाती है, ठीक है, जैसे 12th प्लान लिखा है, मतलब
जो 12th 5 ईयर प्लान था, गवर्नमेंट हर 5 साल के लिए एक प्लानिंग करके रखती है कि भाई कितना टारगेट उसको अचीव करना है, उसमें उसके क्लियर सॉरी, उसमें जितने भी गवर्नमेंट के एम्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग हेल्थ केयर, ठीक है, कौन से प्रोग्राम्स चलाने हैं, किसमें कितना पैसा देना है, तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड गवर्नमेंट रखती है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फैक्टर, हेल्थ। हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है? हेल्थ इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ज़्यादा फोकस्ड रह के काम कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो फिर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम नहीं कर पाते, या इवन समटाइम्स काम ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योर करना ज़रूरी है, तभी आप ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। हेल्थ क्या है भाई? किसी भी पर्सन को कोई भी इलनेस है, कोई भी डिजीज़ है, तो वो उसे लड़ पा रहा है ना। उसकी बॉडी जो है, उसकी इतनी पोटेंशियल है या उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ पाएगा, तभी तो आप उसको हेल्थी कहेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई भी बीमारी है और उसका हेल्थ सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड्स प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री, है ना। सबसे ज़रूरी क्या है कि भाई जो भी पॉपुलेशन है उसका हेल्थ स्टेटस सुधर जाए, ठीक है। कम लोग बीमार हों, जितने लोग बीमार हैं उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पाए, है ना। प्रॉपर अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल्स हों, उनमें उतने बेड्स होने चाहिए, दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए, डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें इंश्योर करने का भी काम किसका है? गवर्नमेंट का। एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेल्फेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। सी, यू मस्ट हैव सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, उनके चार्जेस डिफरेंट हैं। वहीं पर ज़रूरी था कि एक अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है, या जो पॉपुलेशन है ना, जो पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना, या महंगे मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट, राइट। क्योंकि जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, उनका मोटिव है प्रॉफिट। अल्टीमेटली एजुकेशन और हेल्थ से, या जो प्रॉपर मेडिकल केयर है उससे सोसाइटी को तो, मतलब सोसाइटी का एक फ़ायदा तो होता है, लेकिन मेन यहाँ पर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका काम है प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, वो सोलली किस बेसिस पर काम करते हैं? वेलफेयर के बेसिस पर, राइट। तो यू मस्ट हैव सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम प्राइसेस में और लो रेट्स की मेडिसिंस मिल जाती हैं, फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हेल्थ कम से कम इंश्योर हो रही है पॉपुलेशन की, ठीक है। एक बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है समझने के लिए, जिसको आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी, जिसके पास रोज़गार नहीं है ना, जिसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए जिसकी मदद से वो अर्न कर सके, तब आप उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में दो चीज़ें हैं, पहली तो डिज़ायर टू वर्क, ये जिसको आप विल भी कह सकते हैं, ठीक है, विल या फिर डिज़ायर टू वर्क। सेकंड, अपॉर्चुनिटी, मतलब आप मुझे अनएम्प्लॉयड कब कहेंगे
जब मेरी काम करने की डिज़ायर या इच्छा तो है, मैं तो चाहती हूँ काम करना, लेकिन मुझे काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना, कोई मुझे जॉब पर नहीं रख रहा है, या मेरे पास अपना खुद का काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या कैपिटल नहीं है, ठीक है, तब आप मुझे अनएम्प्लॉयमेंट कहिए या आप मुझे अनएम्प्लॉयड कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास नॉलेज भी है, ठीक है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन मेरी डिज़ायर नहीं है, मैं काम करना ही नहीं चाहती, तब आप मुझे अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, राइट? ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आज मैं एम्प्लॉयड हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी डिज़ायर है काम करने की, मैं काम करना चाहती हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, तो मैं एम्प्लॉयड हूँ। लेकिन कल को मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है कि भाई मैं अपने चैनल को आगे चला सकती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ना हो, ठीक है, मेरी डिज़ायर ना हो, तब आप मुझे अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, राइट? जैसे कि घर में, आपके घर में कोई 12 साल का बच्चा है, वो स्कूल जाता है, अपने सारे काम करते रहता है खुद ही खुद ही, ठीक है, वो मतलब अपने चाइल्डहुड डेज को एंजॉय कर रहा है, जॉब तो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन एक 12 साल का बच्चा है जिसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो किसी होटल में काम करता है, राइट? ये बच्चा एम्प्लॉयड है, लेकिन आप इसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। ये क्यों एम्प्लॉयड है? क्योंकि एक तो इसकी डिज़ायर होगी, अब भले मजबूरी के कारण उसको डिज़ायर करनी पड़ रही है काम करने की, और दूसरी चीज़ उसको किसी ने जॉब दे दी, इसलिए वो एम्प्लॉयड है। लेकिन आपके घर का 12 साल का बच्चा जो कोई काम नहीं करता, कोई एम्प्लॉयड कहीं पर भी पैसा कमाने नहीं जा रहा है, उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी विल ही नहीं है ना काम करने की, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट के ये दो फैक्टर्स याद रखने ज़रूरी है। फिर वर्क फोर्स जो होती है, पॉपुलेशन, वो कितनी होती है? 15 ईयर्स से लेकर 59 वाली, इसे छोटे बच्चों को 14 ईयर्स तक के बच्चे काम करे तो चाइल्ड लेबर बोलते हैं, और अबव 60 जनरली लोग रिटायर हो जाते हैं। तो वर्क फोर्स कितनी है? 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन है, जो आपकी अडल्ट पॉपुलेशन है, राइट? ज़रूरी है कि अगर हमारी कंट्री में ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये 15 से 59 वाले जो जनरेशन है, ठीक है, या जो इस एज के लोग हैं, ये काम कर सकते हैं, इनके इनसे छोटे और इनसे बड़े दोनों डिपेंडेबल्स हैं, ठीक है, दोनों ही इन पर डिपेंडेड हो सकते हैं, तो ज़रूरी है कि इनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे तरीके से गवर्नमेंट कर सके, तभी ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेटस जो है इंक्रीज़ होगा लोगों का, और कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन है कि इससे सवाल पूछ लिया जाए। अब एम्प्लॉयमेंट दो तरीके की होती है, सीजनल और डिसगाइज्ड। सीजनल का मतलब है किसी पर्टिकुलर सीजन में जॉब नहीं मिल रही है ना, हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, जनरली किसमें होता है? एग्रीकल्चर, राइट? अब हार्वेस्टिंग के समय, सोइंग के समय, इन सारे समय पर क्या होता है? बिजी सीजन्स हैं, राइट? तो यहाँ पर आराम से लोगों को जॉब मिल जाती है, लेकिन बाकी समय जब क्रॉप की सिर्फ देखभाल करनी है, उसमें ज़्यादा कुछ लोगों का काम नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों की जॉब छिन जाती है, राइट? तब आप इसको कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीज़न जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे बिजी सीज़न आएगा, वैसे ही इस पर्सन को दोबारा जॉब मिल जाएगी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, डिसगाइज का मतलब होता है, डिसगाइज का मतलब होगा कि जो एक्चुअल चीज़ है वो दिख नहीं रही आपको, ठीक है, मतलब आपको लगेगा कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, राइट? जैसे कि मान लो अगर मेरी मेरे पास एक मेरा बिजनेस है जिसमें मैंने 10 लोगों को लगा के रखा है, राइट? लेकिन बिजनेस छोटा है, स्मॉल बिजनेस है, जिसमें अगर मैं 5 लोगों को भी लगाती हूँ, 5 लोगों को भी अगर एम्प्लॉयमेंट देती हूँ, तो मेरा काम आराम से चल जाएगा, लेकिन मैंने 5 की जगह 10 लोगों को लगा के रखा है, ठीक है, क्यों लगा के रखा है दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अगर काम 5 लोगों का है जिसकी जगह 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड है लोग, लेकिन एक्चुअली ये एक अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट? क्योंकि अगर ये लोगों को मैं यहाँ से हटा देती, तो मैं 5 लोगों की सैलरी बचा पाती, 5 लोगों की सैलरी बचा पाती, तो ये 5 लोगों को ज़्यादा सैलरी दे पाती, राइट, और बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगा पाती, और क्योंकि ये 5 नहीं ये 10 हैं, डबल हैं सीधे नंबर्स में,
तो क्या हो रहा है, किसी भी वर्कर की प्रॉपर ग्रोथ यहाँ पर नहीं होगी, ये लोग भी ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। डन। ऐसा भी किस में होता है, जनरली फैमिली बिजनेस में या तो फिर एग्रीकल्चर में। ठीक है, एक खेत में 10 लेबर को लगा के रखा है लेकिन काम 5 का है, तो एक तरीके से ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तीसरा एक और फैक्टर है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज और सीजनल दोनों रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को ज़्यादा मिल जाएगी आपको, अर्बन एरियाज। मतलब पर्सन एजुकेटेड है, नॉलेज है, स्टिल अनएम्प्लॉयड है, कारण उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब विल तो है उसके काम करने की, उसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, राइट। तो इस तरीके से ये होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, जिनके पास नॉलेज है, लेकिन स्टिल उनको क्या नहीं मिल रही है, जॉब। तो ये है आपकी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात यही है। ठीक है, क्योंकि जनरली लोग पढ़ते लिखते क्यों हैं, क्योंकि यही बोला जाता है कि भाई आपको एक जॉब, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। लेकिन ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह है क्या कि कंट्री में कोई काम ही नहीं है? कंट्री में काम बहुत सारा है। ठीक है, मतलब एक तरफ क्या हो रहा है कि काम, एक तरफ लोग पढ़े लिखे लोग भी क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और दूसरी जगह काम करने वालों की बहुत ज़्यादा नीड है, राइट। इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन आज की दुनिया में अगर एजुकेटेड है तो भी उसके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर उसको एक जगह अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो वो कहीं और जाकर अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकता है, राइट। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है तो ये एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर है। डिप्रेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है कंट्री की वो सही नहीं चल रही है, ठीक है, और जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे होते जा रहा है, लो होते जा रहा है। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेन्ड गेनफुली एम्प्लॉयड। ठीक है, रिसोर्स को भी वेस्ट कर रहा है, कौन से रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है, क्योंकि अगर पर्सन विलिंग है काम करने के, उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, लेकिन आप उसको एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, आप उसको क्या नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो आप उस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो। जैसे हम नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट करते हैं, वैसे ही अगर एक पढ़े लिखे इंसान को, एक स्किलफुल इंसान को जॉब नहीं मिल रही है या उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो उसका वेस्टेज हो रहा है। विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जो अगर कहीं पर काम कर रहा होता है ना, कहीं पर एम्प्लॉयड मिल रही होती तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता और उसके कारण कंट्री भी प्रॉफिट अर्न कर पाती, राइट। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपेयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। ठीक है, अब आप उनको जॉब नहीं दे रहे हो, ठीक है, उनके लिए अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो खुद कमा खा नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली किसके ऊपर आ गया, कंट्री के ऊपर ना, इकोनॉमी के लिए क्या बन गया, वो एसेट से लाइबिलिटी, तो रिसोर्स कहलाएंगे फिर, नहीं, फाइन। सो दिस इज हाउ अ कंट्री नीड्स टू सपोर्ट इट्स ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पहले तो बनाना ज़रूरी है, और जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उसको आपको एम्प्लॉयमेंट देनी ज़रूरी है, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशंस जो हैं इनसे भी जो रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एक्स्ट्रा लोग हैं वहाँ पे, उनको निकाल कर उनको दूसरे प्रोडक्टिव काम देना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर ग्रोथ उनकी और कंट्री की हो सके, राइट। देन मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब इंसान जो है अगर वो प्राइमरी सेक्टर में, तो खुद के लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है ना, खुद की ज़मीन है उस पर खेती कर रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ ना, राइट। लोग जो हैं वो अपनी खुद की शॉप्स ओपन कर रहे हैं, खुद के बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आपके पास एक स्किल है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने की, तो आप किसी और के लिए वेट नहीं कर रहे कि वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे,
राइट, यू आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, दैट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। फिर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, फिर वहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट, जिससे वो कुछ ना कुछ चीज़ें तो ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं, राइट। बट सम ऑफ द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू विलेज एरियाज ऑल्सो सफ़र फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब वहाँ चले तो जाते हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, राइट, और वहाँ पर सर्वाइवल और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अर्बन एरियाज जो है वहाँ पर सारी चीज़ें रूरल एरिया से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। डन, चलो फाइनल से क्या है चैप्टर के बारे में, फाइनल से चैप्टर के बारे में इतना सा है कि हमारी कंट्री में जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं मतलब जिस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू करते हैं, हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी उतने ही तरीके से वैल्यू करना है, राइट, और साथ में ह्यूमंस अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी तरीके से क्या करेगी, काम करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को प्रोवाइड करा सकती है, नॉलेज प्रोवाइड करा सकती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे सकती है, राइट, पर्टिकुलर स्किल्स सिखाने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप कर सकती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो खुद भी अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि मुझसे कोई आगे कहेगा कि मैडम आप ये वाली स्किल सीख लो तभी मैं सीखूँगी, है ना। इफ़ आई एम अवेयर, इफ़ आई एम एजुकेटेड इनफ, तो मैं क्या करूँगी, खुद हमेशा अपडेटेड रहूँगी कि मुझे कौन सी स्किल सीखने की ज़रूरत है ना, और मैं खुद एक एसेट बनने की कोशिश करूँगी। हालांकि ऑल दी पीपल इन दी सोसाइटीज आर नॉट केपेबल दिस मच, है ना, सारे लोग खुद को एसेट बनाने के लिए अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनके लिए कौन है, गवर्नमेंट। डन, और इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या इंडिया का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि इंडिया के पास वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 15 से 59 एज ग्रुप के जो लोग हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो इस एज के लोगों को अगर हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या अगर हम इनको बना लेते हैं ह्यूमन कैपिटल, तो कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से हो सकती है, राइट। लोग जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास स्किल है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को तो सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, लोगों को मल्टीपल स्किल सिखाई जा सकती है, ठीक है, ऐसे एरियाज जहाँ पर उनको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कम है वहाँ से हटाकर उनको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए, नए बिजनेसेस चलाने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने चाहिए, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमको ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर में ज़्यादातर कंसेप्ट थे, ठीक है, तो वो मैंने आपको पूरे के पूरे समझाने की कोशिश की है। कुछ एक्स्ट्रा एक दो आपको पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिले थे तो उनको भी आप नोट कर सकते हैं और अपने आंसर्स में एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। डन, अल्टीमेटली सारा कुछ कंसेप्ट का खेल है इकोनॉमी में, तो जितना भी बेसिक्स था वो सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं इनसे क्वेश्चंस तो जनरली नहीं बनेंगे, तो इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार रीड कर सकते हैं, एक लेक्चर देखने के बाद पूरे चैप्टर को एक साथ रीड कर लेंगे, सिंपल लैंग्वेज है, टाइम भी कम लगेगा और एक ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा चैप्टर के लिए, राइट। तो अगर कोई भी परेशानी है चैप्टर में, कोई भी डाउट है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।